दोस्तों पिछले साल भारत से जबरदस्त मार खाने वाला चीन अब भारत को हराने के लिए भारत का ही हथियार काम में लेना चाहता है। जी हां दोस्तों, अब चीन भारत की नकल करने में लग गया है। चीन इतना डर गया है कि वह खुद की वैल्यू भी भूल गया है और भारत के खिलाफ अपना तोड़ बनाने में लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों हमारे भारत के पास सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि भारत इस हथियार को पहले ही प्राप्त कर चुका है और यह हथियार भारत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और चीन से डरने की अब जरूरत नहीं है। और भारतीय जवानों का तो यहां तक कहना है कि चीन चाहे कोई भी सातिर चाल क्यों नहीं चल दे, लेकिन उसका जवाब हम अपने तरीके से देना जानते हैं। चीन के हर एक उस कदम को तोड़ देंगे जो भारत के खिलाफ उठेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारी भारतीय सेना के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद वंदे मातरम उनका हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया के इस दौर के अंदर सैनिक भी हमारे बातों को अक्सर देखते रहते हैं और आपकी एक बात उनका हौसला अफजाई कर सकती है। दरअसल दोस्तों एनआईए के सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि चीन अब भारत की नकल करते हुए एक ऐसी स्पेशल फोर्स तैयार करने की कोशिश कर रहा है जो ऊंचाई वाले जगहों पर लड़ाई में महारत रखती हो। आपको बता दें कि भारतीय सेना में ऊंचाई वाली जगहों पर सेवा दे रही सेना की टुकड़ियों में कई तिब्बती भी शामिल है। इसके अलावा इनमें पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी शामिल है जो इस इलाके में भली भांति परिचित है और चीन के हर एक कदम को पहले से भांप सकते हैं। इन्हें ऊंचाई वाली जगह पर होने वाली लड़ाइयों और वहां की चुनौतियों के बारे में जानकारी होती है। दोस्तों पिछले वर्ष जब लद्दाख में ऊंचाई वाली जगहों पर चीन की सेना की वजह से तनाव फैला था, तब भी भारतीय सेना के साथ मिलकर इन जवानों ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था और चीन को उसके किए के लिए नानी याद दिला दी थी। उन्होंने भारतीय सेना की इकाइयों के साथ मिलकर पिछले साल अगस्त में पेंगोंग तसो के दक्षिण में ऊंचाई वाली चोटियों पर कब्जा करके भारत की सेना को चीन के खिलाफ बढ़त दिलाई थी और चीन को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। अब इस इलाके में मुंह की खाने के बाद चीन इसके लिए फिर से तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि तिब्बत के हिस्से वाले चीन में अधिकतर लोग चीन के खिलाफ है, वहां पर अधिकतर दलाई लामा के समर्थक है। ऐसे में कोई गलत कदम चीन उठाता है तो इन लोगों के अंदर एक भयंकर ज्वालामुखी फटने वाली है, क्योंकि दलाई लामा को चीन ने तिब्बत से निकाल दिया है और अब वे भारत में एक शरणार्थी की तरह रह रहे हैं। तो दोस्तों ये जवान दोगुने जोश के साथ चीन से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है जो भारत के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। वहीं दोस्तों भारत से मुकाबले के लिए चीन पीएलए में शामिल तिब्बती टुकड़ी को ऊंचाई वाली जगहों पर स्पेशल ऑपरेशन करने के लिए तैयार कर रहा है। इस बाबत वो इसमें शामिल जवानों को ट्रेनिंग में लगा है। आपको बता दूं कि कुछ समय पहले ही भारतीय एजेंसियों और सेना की तरफ से यह जानकारी सामने आई थी कि चीनी युवा तिब्बतियों को अपनी सेना में शामिल करने के लिए उनकी भर्ती कर रहा है। वहीं दोस्तों सूत्रों से कहना है कि चीन तिब्बत के लोगों को तभी अपनी सेना में शामिल करता है जब उसे यकीन हो जाता है कि वो चीन के प्रति वफादार है। इसके लिए इन लोगों को कई बार टेस्ट भी किया जाता है। चीन की सेना में शामिल होने वाले किसी भी तिब्बती की मैंड्रिन भाषा सीखना और प्रैक्टिस करना उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।